नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोइत्रा। देश में कोविड 19 के मामले बढ़कर 29,000 के पार हो गए। इस किलर वायरस को हराने के लिए देश भर में इस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ है। कोविड 19 से जुड़े हर अपडेट को स्वास्थ्य मंत्रालय देश के सामने रखता रहता है। मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान के साथ बात की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कई अच्छी खबर सुनाई। ऐसी अच्छी खबर जिससे ये लग रहा है कि हम कोरोना के खिलाफ जंग में धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले 7 दिनों से देश भर के 80 जिलों में संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। वही बीते 28 दिनों से 17 जिलों में कोई संक्रमित नहीं मिला है। टॉक टू यू टुडे, 80 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया हैव नॉट रिपोर्टेड ए फ्रेश केस सिंस द लास्ट 7 डेज। 47 डिस्ट्रिक्ट्स हैव नॉट रिपोर्टेड ए केस फॉर द लास्ट 14 डेज। 39 डिस्ट्रिक्ट्स हैव नॉट रिपोर्टेड ए केस फॉर द लास्ट 21 डेज एंड 17 डिस्ट्रिक्ट्स हैव नॉट रिपोर्टेड ए केस फॉर द लास्ट 28 डेज। सिमिलरली फॉर द लास्ट 14 डेज आवर डबलिंग रेट हैड बीन 8.7 एंड फॉर द लास्ट 7 डेज इट हैड बीन 10.2 एंड टुडे फॉर द लास्ट 3 डेज व्हेन वी कैलकुलेट इट इज रफली 10.9। आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। ऑल ओवर द कंट्री वी नो दैट जस्ट ओवर 300 डिस्ट्रिक्ट्स आर thoroughly unaffected by the disease. About 300 districts again are our non-hotspot districts where we have just very few cases and roughly 129 districts are the ones where we have significant number of cases, say more than 15 or maybe slightly less than 15, which we call as hotspots. गौरतलब है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 1543 नए मामले सामने आए और 62 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 29,435 हो गई, जिसमें 21,632 एक्टिव हैं, 6,869 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 934 लोगों की मौत हो चुकी है।